नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है हनुमान जयंती। केंद्र सरकार की जारी की गई रैंकिंग में बिहार का यह जिला अव्वल। एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह गलती करना पड़ेगा महंगा। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में से 3 के नतीजे आए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर की जगह जेसन रॉय को किया साइन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। JSSC PGTTCE ने 3,120 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत नियमित और बैकलॉग मिलाकर कुल 3,120 PGT पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। झारखंड PGT भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को रिक्तियों से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ PG होना चाहिए, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd किया होना चाहिए। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया से 4 मई 2023 तक JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज है हनुमान जयंती। आज यानी कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाया जाता है, जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। मालूम हो कि आज के दिन यानी कि हनुमान जयंती के दिन भक्त भगवान हनुमान का व्रत रखते हैं और साथ ही हनुमान जी का पूजन भी करते हैं। इस त्योहार को लेकर लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। मालूम हो कि इस दिन हनुमान जी के साथ राम लक्ष्मण और साथ में माता सीता का भी पूजन किया जाता है। वहीं प्रसाद के रूप में बेसन से बना लड्डू या बूंदी का लड्डू चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का बहुत ही प्रिय भोजन है। इसके साथ ही हनुमान जी को लाल रंग का सिंदूर भी प्रिय है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सैयद सबा करीम के बारे में। सैयद सबा करीम उच्चारण एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर थे। करीम ने कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम किया है। उन्होंने टिस्को के कॉरपोरेट संचार प्रभाग में भी काम किया है। सैयद सबा करीम क्रिकेट के विभिन्न पहलुओं जैसे टीम के प्रदर्शन, अंपायरिंग मानकों और डे नाइट टेस्ट मैचों आदि पर अपने विचारों के बारे में बहुत मुखर रहे हैं। करीम ने 1982 से 83 में 15 साल की उम्र में बिहार के लिए अपना प्रथम करियर शुरू किया। 1990-91 रणजी ट्रॉफी में उड़ीसा के खिलाफ उनका करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 234 था। उन्हें पहली बार 1996-97 में दक्षिण अफ्रीका में स्टैंडर्ड बैंक सीरीज के नयन मुंगिया के प्रतिस्थापन के रूप में भारत के लिए चुना गया था और उन्होंने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया। 1 जनवरी 2018 को सबा करीम को BCCI ने महाप्रबंधक क्रिकेट संचालन के रूप में नियुक्त किया था। 27 सितंबर 2012 को सबा करीम को पूर्वी क्षेत्र से राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार की जारी की गई रैंकिंग में बिहार का यह जिला अव्वल। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जनवरी के लिए एक राष्ट्रव्यापी रैंकिंग जारी की गई है। बता दें केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए इस रैंकिंग में देश भर में पहला स्थान बिहार के समस्तीपुर जिला को मिला है, तो वहीं इस सूची में दूसरे नंबर पर शेखपुरा और तीसरे नंबर पर सुपौल है। इसके साथ ही इस सूची में चौथे नंबर पर बिहार का बांका जिला है। बता दें कि इन सभी जिलों में हर घर नल का जल योजना का काम सबसे तेजी से चल रहा है। वहीं समस्तीपुर के इस उपलब्धि पर मंत्रालय के द्वारा जिला के DM को बधाई पत्र भी भेजा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंत्रालय की ओर से यह रैंकिंग 5 बिंदुओं के आधार पर की गई है, जिनमें ग्रामीण परिवारों के घरों में नल के जल की उपलब्धता, नल से मिलने वाली जल की मात्रा, जल की गुणवत्ता, जलापूर्ति की निरंतरता और पेयजल से संबंधित शिकायतों के मानक संबंधित हैं। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में से 3 के नतीजे आए। 2 सीटों पर तेजी से मतगणना का काम जारी है। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित JDU उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह भारी मतों से चुनाव जीत गए हैं, जबकि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार आफाक आलम कड़े मुकाबले में चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने महागठबंधन समर्थित CPI उम्मीदवार पुष्कर आनंद पांडे को पराजित किया। BJP के लिए राहत भरी खबर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आई, जहां उसके उम्मीदवार जीवन कुमार ने महागठबंधन समर्थित JDU
उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह को पराजित किया। वहीं गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना का काम जारी है। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह आगे हैं और बीजेपी उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह पीछे चल रहे हैं। बात करें सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की तो यहां भी महागठबंधन का पलड़ा फिलहाल भारी है। यहां से जेडीयू उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव की बढ़त बरकरार है और बीजेपी के महाचंद्र प्रसाद सिंह पीछे हैं। एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह गलती करना पड़ेगा महंगा। अगर आप भी एसी कोच में सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि रेलवे की ओर से एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नियम बनाए गए हैं। दरअसल रेलवे के द्वारा जारी किए गए नोटिस से यह बात निकलकर सामने आई है कि अक्सर लोग एसी कोच में सफर के दौरान रेलवे की ओर से दिए गए चादर, तकिया, तौलिया जैसे जरूरी सामानों को सफर करने के बाद अपने घर ले जाते हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसी को देखते हुए रेलवे की ओर से यह नियम बनाया गया है कि अगर पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत 1 साल की जेल या 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माने के साथ 5 साल तक का जेल भी हो सकता है। बता दें कि यह कार्रवाई IPC सेक्शन 378 और 403 के तहत की जाती है। बस यह काम करने से स्कूली बच्चों को आसानी से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। बिहार के स्कूली बच्चों को आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ और भी तेजी से मिल सके, इसके लिए UDISE पोर्टल पर स्कूल एंड फैसिलिटी प्रोफाइल और टीचर्स प्रोफाइल के अलावा अब स्टूडेंट प्रोफाइल भी अपलोड करना होगा, जिससे शिक्षा विभाग के पास सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का कक्षावार डिटेल, कैटेगरी, अभिभावकों का डिटेल भी होगा। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने की प्लानिंग करने में भी सुविधा होगी। बता दें कि इससे पहले UDISE पोर्टल पर केवल स्कूल एंड फैसिलिटी प्रोफाइल और टीचर्स प्रोफाइल के डिटेल ही अपलोड किए जाते थे। मालूम हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी स्कूल प्रबंधकों को 11 अप्रैल तक स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दे दिया गया है। इसके लिए स्कूल प्रबंधकों को प्रत्येक विद्यार्थी की दर से 2 रुपए और पुराने विद्यार्थियों के डिटेल अपडेट करने के लिए 1.75 रुपए दिए जाएंगे। नालंदा और सासाराम में इंटरनेट चालू होने को लेकर आया नया अपडेट। बिहार के नालंदा और सासाराम में हुए हिंसा को लेकर प्रशासन की ओर से पिछले कई दिनों से दोनों स्थानों पर इंटरनेट की सेवा रोक दी गई है, ताकि लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह भरी खबरें न फैलाई जा सके। वहीं अब इन दोनों स्थानों पर इंटरनेट चालू करने को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल नालंदा DM शशांक शुभंकर के द्वारा जानकारी दी गई है कि यहां 6 अप्रैल यानी कि आज तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी और उसके बाद अगर स्थिति सामान्य पाई जाती है तो इंटरनेट सेवा चालू किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिले में 11 से ज्यादा कंपनियां हैं और बिहार पुलिस की भी कंपनी है। वहीं सासाराम में भी शुक्रवार तक इंटरनेट सेवा बंद ही रहेगी। मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से मिले रिमांड। तमिलनाडु प्रकरण से विवादों में घिर कर गिरफ्तार किए गए मनीष कश्यप की पेशी बीते दिन तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में की गई। इस दौरान तमिलनाडु पुलिस के द्वारा कोर्ट से मनीष कश्यप की रिमांड मांगी गई, जिस पर सहमति जताते हुए कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप की रिमांड तमिलनाडु पुलिस को दे दी गई है। बता दें कि मनीष कश्यप तमिलनाडु को बिहार मजदूरों के साथ मारपीट की घटना को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किए जाने को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं। मालूम हो कि सबसे पहले मनीष कश्यप से बिहार में EOU के द्वारा पूछताछ की गई थी और फिर उसके बाद तमिलनाडु पुलिस के द्वारा मनीष कश्यप अपने रिमांड पर लिया गया था। जाति गणना के दूसरे चरण में 2 बार नाम लिखाने पर पकड़ लेगा ऐप। जाति गणना के दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से होने वाली है। ऐसे में इस बार नामों को दर्ज कराने को लेकर सख्ती अपनाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अलग अलग जगहों से 2 बार नाम लिखने का प्रयास करता है तो वह व्यक्ति तुरंत पकड़ में आ जाएगा। बता दें कि ऐसे लोगों को आंकड़ा विवादित माना जाएगा, जिसकी जांच पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी और बाद में लिखाए जाने वाले आंकड़े रद्द किए जाएंगे। दरअसल जाति गणना के दूसरे चरण में दूसरी बार नाम लिखाने वाले को पकड़ने के लिए एक ऐप की व्यवस्था की गई है। इस ऐप की मदद से यह पता चल जाएगा कि अमुक का नाम पहले से दर्ज है या नहीं। बता की जांच का आधार व्यक्ति का नाम, पिता, पति का नाम और स्वेच्छा से दिए गए आधार संख्या के आधार पर हो सकेगा। बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियां होंगी प्रदर्शित। बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग सचिव वंदना प्रेयसी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को बिहार संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। बता दें कि 2 महीने तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की मेजबानी करने के लिए बिहार संग्रहालय को चुना गया है। इस प्रदर्शनी में चुनिंदा कलाकारों की कलाकृतियों व संबंधित जानकारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। मालूम हो कि इस प्रदर्शनी की शुरुआत 7 अगस्त से होगी, जो कि 7 अक्टूबर तक चलेगी और इसका नाम टुगेदर वी आर्ट रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शनी वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर आधारित है, जो महा उपनिषद की एक अवधारणा है। इसके अलावा इस प्रदर्शनी के चुनिंदा कलाकार 8 अगस्त और 9 अगस्त के लिए आयोजित एक संगोष्ठी वन वर्ल्ड वन फैमिली का भी हिस्सा लेंगे।
बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे उदंतपुरी के बारे में। यदि आप इतिहास से बहुत प्रेम रखते हैं तो बिहार शरीफ शहर के उदंतपुरी में भी घूमने के लिए आ सकते हैं। इस स्थान का निर्माण लगभग 8 शताब्दी के दौरान कराया गया था। इस स्थान का निर्माण ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध और बौद्ध धर्म और बौद्ध संस्कृति को सीखने का केंद्र बनाया गया था। यह भी माना जाता है कि इस स्थान की खोज भी पाल राजवंश के गोपाल नाम के शासक ने की थी और नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ उदंतपुरी को भी बहुत ही महान शिक्षक केंद्रों में गिना जाता है। वैसे तो अब यह स्थल सिर्फ खंडर के रूप में ही मौजूद है, लेकिन 13वीं शताब्दी के दौरान यह स्थान काफी प्रचलित था और फिर उसके पश्चात मुगल सम्राट के बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। परंतु आज भी इस स्थान पर बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कि यह बयां करती है कि यह अपने आप में ही किसी अजूबे से कम नहीं है। आज भी इस स्थान के बहुत से अवशेष यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिन्हें देखकर उस समय का थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बीते दिन बिहार विधानसभा का आखिरी दिन था। ऐसे में बीते दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में बीजेपी के द्वारा रामनवमी पर बिहार में हुए हिंसे को लेकर जमकर हंगामा किया गया और साथ ही इस मामले की जांच NIA से किए जाने की मांग की गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा विपक्ष के रवैये पर नाराजगी भी जताई गई और कहा गया कि हमने नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी विधायक के द्वारा वेल में पहुंचकर हंगामा किया गया जो कहीं से भी सही नहीं है। इसके साथ ही बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर मार्शल के द्वारा बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि सत्र की शुरुआत 27 फरवरी से हुई थी जो कि बीते दिन यानी कि 5 अप्रैल को खत्म हो गई है। इस दौरान 22 बैठक के बजाय 20 बैठक किए गए और अब बीते दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। भारत नेपाल के बीच रेल सेवा जल्द होगी शुरू। बहुत जल्दी भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि इसको लेकर रेलवे की ओर से तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। मालूम हो कि यह ट्रेन कटिहार रेल मंडल से होते हुए गुजरेगी। वहीं इस बारे में कटिहार रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक चौधरी विजय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के बथनाहा और नेपाल के विराटनगर के बीच इंडो नेपाल नई रेलखंड पर पहले मालगाड़ी और उसके बाद पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिसका रेलवे बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होते ही अप्रैल माह से इंडो नेपाल के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि भारत के बथनाहा और नेपाल के विराटनगर के बीच की दूरी करीब 18.5 किलोमीटर है। बता दें कि इस ट्रेन के शुरुआत होने से भारत और नेपाल के बीच रिश्ते और भी मजबूत होंगे। प्रदेश में अब सताएगी गर्मी। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से अब बदलने लगा है। इसकी अब एक झलक अभी से दिखनी शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उससे अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना न के बराबर है। ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि तापमान में वृद्धि होना तय है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से तापमान में भले ही नरमी देखने को मिली हो, लेकिन अब तापमान में नरमी होता नहीं दिख रहा है। बता दें कि अगले 7 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। पश्चिमी चंपारण के सुगंधित मर्चा चावल को मिला GI टैग। GI जर्नल में प्रकाशित की गई जानकारी के अनुसार बिहार के एक और कृषि उत्पादों को GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। बता दें कि बिहार के एक और कृषि उत्पाद को GI टैग मिलने से अब राज्य के GI टैग वाले कृषि उत्पादों की संख्या 6 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जिस कृषि उत्पाद को GI टैग मिला है वह बिहार के पश्चिमी चंपारण के प्रसिद्ध मर्चा चावल है। मालूम हो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के प्रसिद्ध मर्चा चावल को GI टैग वाले कृषि उत्पादों की सूची में शामिल करने के लिए मर्चा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह की ओर से आवेदन दिया गया था। इसके साथ ही जिले के DM और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से भी इसके पक्ष में अनुशंसा की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मर्चा चावल को औपचारिक तौर पर GI टैग का प्रमाण पत्र अगस्त में दिया जाएगा। हनुमान जयंती को लेकर MHA ने सभी राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। रामनवमी में हुए हिंसा को देखते हुए आज हनुमान जयंती को लेकर केंद्र सरकार काफी अलर्ट मोड में है। बता दें कि इसी को लेकर हनुमान जयंती को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बता दें कि जारी किए गए इस एडवाइजरी में केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्य सरकार को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय कार्यालय के द्वारा एक ट्वीट करके दी गई है। गृह मंत्रालय कार्यालय के द्वारा जारी किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती की तैयारी को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। सरकारों को
कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज से जेईई मेन एग्जाम की शुरुआत, इन बातों का रखे ख्याल। जेईई मेन से अप्रैल सत्र के एग्जाम की शुरुआत आज यानी कि 6 अप्रैल से हो रही है, जो कि 15 अप्रैल तक अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड में कई महत्वपूर्ण गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसका पालन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा की शुरुआत सुबह 9 बजे से और 3 बजे से होगी, जो दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। मालूम हो कि परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट को 3-लेयर मास्क भी दिए जाएंगे, जिसे स्टूडेंट्स को परीक्षा देते समय उपयोग करना अनिवार्य होगा। सीएम नीतीश का केंद्रीय गृह मंत्री को नसीहत। बीते दिन बुधवार को बिहार में हुए रामनवमी हिंसा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक नसीहत दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य के मसलों पर बात करने के लिए संविधान अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह को राज्यपाल से बात करना गैर संवैधानिक है, उन्हें पहले संविधान को समझना चाहिए। अगर आप संविधान देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ राज्यपाल से बात नहीं करना होता, बल्कि राज्य में सरकार से बात करनी भी पड़ती है। इसके साथ ही उन्होंने सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर कहा कि इस मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही सच्चाई बाहर आ जाएगी। वहीं अमित शाह को जितनी बार बिहार आने का मन हो वह उतनी बार आए, हम लोगों को इससे क्या आपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी थे तब तक सब बढ़िया था, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश के लगाए आरोप पर किया पलटवार। बिहार में हिंसा को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि यह सभी हिंसा बीजेपी की सोची समझी साजिश है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि यह हिंसा सरकार की नाकामी के कारण हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी कहा गया है कि बिहार में यह हिंसा की घटनाएं किसी ने सोच समझ कर करवाई है। वहीं अब उनके द्वारा दिए गए इस बयान पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा उन पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि अब तक बिहार में हुई दंगे की जांच रिपोर्ट नहीं आई है, फिर मुख्यमंत्री इस मामले पर कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किस आधार पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस घटना पर निष्पक्ष जांच करवाना चाहती है तो पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इन्वेस्टिगेशन करवाए। उन्होंने कहा कि सासाराम और नालंदा में तब स्थिति सुधार में आई जब केंद्रीय बल ने आकर सुरक्षा दी। ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताने पर एआईएमआईएम ने सीएम को घेरा। बिहार के सासाराम और नालंदा में हुए हिंसक घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया गया था। वहीं अब उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के द्वारा तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि जिसने बिहार में बीजेपी को स्थापित किया हो वह यदि हमें एजेंट बताए तो ऐसी बातों को नोटिस भी लेते हैं। लोगों की समस्याओं को लेकर हम लोग मिलना चाहते थे, लेकिन हम लोगों से क्यों मिलेंगे, नीतीश ने हमें समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस वालों से, मोहन भागवत से और मोदी से सीएम नीतीश मिलेंगे, लेकिन वे माइनॉरिटी के लीडर से नहीं मिल सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर की जगह जेसन रॉय को किया साइन। कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय को टीम में शामिल कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ही कोलकाता की टीम 2 बड़े खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। मालूम हो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से जेसन रॉय को 2.8 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा गया है। वहीं आईपीएल के मिनी ऑक्शन के दौरान उनके बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कोलकाता के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर पीठ के निचले हिस्से में लगे चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वहीं अब उनकी जगह कोलकाता के कप्तान के रूप में नीतीश राणा को चुना गया है। बता दें कि अब कोलकाता का अगला मैच आज यानी कि गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। राजकुमार खुसरो ने 1606 में अपने पिता मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ बगावत की। रोलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने 1919 में पहली अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया। भारतीय तैराक मिहिर सेन ने 1966 में पाक जलडमरू मध्य तैरकर पार किया। भारत की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की 1980 में आज ही के दिन स्थापना हुई। भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और भारत दौरे पर आए अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गेथनर 2010 में आर्थिक साझेदारी की समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजनीतिज्ञ प्यारे लाल खंडेलवाल का 1929 में जन्म हुआ। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल का 2001 में निधन हुआ।
पालघर में आज हम बात करेंगे पीएम मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो यह जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक नोटिस प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना 2023 के तहत युवाओं को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नोटिस फेक है। भारत सरकार @educationmenofindia के द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। ट्विटर आपसे नहीं छन सकता फ्री वाले ब्लू टिक। पिछले महीने ट्विटर ने यह ऐलान किया था कि कंपनी 1 अप्रैल के बाद से लीगेसी चेक मार्क सभी के अकाउंट से हटा देगी, यानी फ्री वाले ब्लू टिक अकाउंट से हट जाएंगे और लोगों को इसके लिए अब ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। खैर आज 6 अप्रैल है लेकिन उसके बावजूद भी लेगेसी चेकमार्क कई लोगों के अकाउंट से नहीं हटा है। कुछ लोगों के अकाउंट से हटा भी है तो वो कंपनी ने मैनुअली किया है। दरअसल कंपनी आपसे एकाएक फ्री वाले ब्लू टिक नहीं छीन सकती है। ये बात हम नहीं बल्कि वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि कंपनी के पास इंटरनल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि 1.42 लाख लेगेसी अकाउंट से चेकमार्क को हटा दे। यानी ट्विटर के इंटरनल कोड में एक ऐसी कोई कोड मौजूद नहीं है जिससे सभी चेकमार्क एकाएक हट जाए। कंपनी को ये काम मैनुअली करना होगा और एक एक करके सभी के अकाउंट से ब्लू टिक हटाना होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सन्नी सहनी, कुश कुमार यादव, पंकज कुमार दास, रवि रंजन कुमार, कुमार योगेंद्र, अंजना मिश्रा, पुरुषोत्तम झा, शंकर मुखिया, संतु कुमार, राम नरेश यादव, कन्हैया, रवि शंकर, सुजीत कुमार, रवि कुमार, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जातिगत जनगणना से बिहार की जनता को कितना फायदा मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।